हिंगनघाट शहर में कई पारंपरिक दुकानों से कई तरह की मिठाइयां बिक्री होती है। स्वस्थ टेबल नियमों का पालन करते हुए मिठाइयां तैयार की जाती है। सवाल निर्माण होता है कि दिवाली की मिठाइयों में मिठास है या नहीं। जिला खाद्य एवं औषधि प्रशासन को इस ओर ध्यान देने की जरूरत है। खाद्य एवं औषधि प्रशासन यह देखने के लिए लगातार इस जगह का दौरा करता है, क्या सभी मापदंडों का उचित पालन हो रहा है ये देखता है, तो क्या दिवाली के मौके पर मिठाइयां बनाते हुए सभी मापदंडों और उचित चीजों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस विस्तृत जानकारी पर विचार करना खाद्य एवं औषधि प्रशासन का कर्तव्य है। दिवाली में हर कोई अपनी जरूरत के हिसाब से मिठाइयां खरीदता है। दिवाली में मिठाइयों का कारोबार बड़े पैमाने पर होता है। हर साल लाखों रुपयों की मिठाइयां बिकती हैं। हिंगनघाट शहर की सभी बड़ी मिठाई की दुकानें पारंपरिक व्यापारियों की हैं। तालुका के कस्बों और गांव के नागरिक इन मिठाई की दुकानों से विश्वास से बिना किसी परेशानी के मिठाई की खरीदारी करते हैं। दिवाली के दौरान इन दुकानों से लाखों रुपयों की मिठाइयां खरीदी और बेची जाती हैं और ये सभी पारंपरिक मिठाई बनाने वाले कारखाने खाद्य एवं औषधि प्रशासन अधिकारियों के अधिकार क्षेत्र में। फिर हमें यह देखना होगा कि इस दिवाली में खाद्य एवं औषधि प्रशासन इस जिम्मेदारी को कैसे पूरा करता है। यह देखने वाली बात होगी कि खाद्य एवं औषधि प्रशासन इस मुद्दे को कितनी गंभीरता से लेता है। अगले सप्ताह परिपूर्ण मिठाई कैसे बनाई जाती है इसके क्रमश जानकारी ली जाएगी। एनबीसी न्यूज के लिए हिंगनघाट से रवि येनुरकर की रिपोर्ट।